करते हैं बरेली की, जहां एक ओर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मजदूरों की दुर्दशा भी देखने को मिल रही है। बरेली के नैनीताल हाईवे पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चार मजदूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में मजदूरी करते थे। काम छोड़कर लॉकडाउन के डर से हल्द्वानी से पैदल घर जा रहे थे। मजदूरों की ही ये दुर्दशा सरकार के दावे को फेल कर रही है और पैदल ही घर मजदूर लौट रहे हैं। खड़े हैं यूपी बॉर्डर पे, यहाँ पे कुछ ऐसे मजदूर हैं जो अपना काम छोड़ के और वहाँ से लोग आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, क्या पूरी बात उनसे जानते हैं। अब काम कर रहे थे, वहाँ काम बंद हो गया क्या? बंद हो गया था। पैसे वैसे वगैरह दिए दोनों आ रहे हैं, खाते में डाले। तो आप लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ? सवारी मिल गई, वही मिल गई, बीस मांग रहे हैं। अभी यहाँ से कई किलोमीटर बताइए आपका? 150 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप पैदल जाएंगे? आप सवारी मिलेगी तो गाड़ी जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। पैदल जाएंगे तो वहाँ जाके क्या करेंगे? घर पे आप दोबारा आएंगे या नहीं? या कम नहीं आएंगे? मालिक बुलाएगा तब भी नहीं आए? आप क्या करते हैं? क्या बदल सकते काम? क्या लोग चार लोग हैं काम? चार और भी लोग करते हैं? और भी कुछ लोग कहाँ का वहाँ पे हैं, उनका काम चल रहा है, आपका नहीं चल रहा? आपको मना कर दिया? अब 150 किलोमीटर पैदल जाएंगे। क्या नाम है? ये देखा आपने, सरकार का कहीं कहीं ना कहीं दावा है कि प्रवासी मजदूर रोकते नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूर आज भी रोकते हैं। जो अभी 150 किलोमीटर इन चारों लोगों को अपने घर पैदल चल के जाना है, यहाँ से बदायूं और यहाँ यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और यहाँ से इन्हें 150 किलोमीटर पैदल चल के अभी और जाना है। तो प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं, ये आज भी रोकते हैं और सरकार के दावे कहीं ना कहीं कागजों में, प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं कागजों में ही दिखते हैं और ये आज भी रोकते हैं। 150 किलोमीटर पैदल चलते हैं और अपना काम बंद हुआ है, पैसे भी नहीं दिए हैं, मालिक ने कहा अकाउंट में डालेंगे। ये डेटा बच्ची का काम करते थे वहाँ पे और वो छोड़ के अब पैदल ही अपने घर के लिए चल दिए हैं। अब देखना होगा घर जाके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अब दोबारा भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे क्या वजह है, क्यों नहीं आएंगे? अपने घर खेतीबाड़ी देखेंगे, उसी में परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि काम के काम किया लेकिन पैसे नहीं मिले और पैसे अकाउंट में देने को कहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोड पे आज भी मजदूर हैं और इनके ले जाने का या लाने का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। 150 किलोमीटर इन चारों लोगों को अब पैदल चल के जाना है, वहाँ से चले गए लेकिन अब पैदल ही जाना है और अपने घर का सफर तय करना है। मैं अयाज खान बरेली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अयाज खान फोन लाइन पर जुड़ गए। अयाज, क्या कुछ पूरा मामला? अयाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अयाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल आया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेली की, जो है एक और सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं भयावह निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ मजदूरों की जो दुर्दशा है वो देखने को मिल रही है। बरेली के नैनीताल हाईवे पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चार मजदूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में मजदूरी करते थे, जो लॉकडाउन के चलते काम छोड़कर, आपको बता दें कि इसके डर से, क्योंकि रोजी रोटी उनकी हो नहीं रही थी, तो हल्द्वानी से ही पैदल घर जा रहे थे। मजदूरों की ये दुर्दशा हो रही है, सरकार के दावे फेल कर रहे हैं तो वही पैदल ही मजदूर घर लौटने पर मजबूर है और सवालिया निशान यही प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिर कब तक मजदूर मजबूर रहेगा। लगातार ये तस्वीर आपको बरेली की दिखा रहे हैं, जहां और एक बार फिर संवाददाता अयाज खान का रुख करते हैं। अयाज, क्या कुछ पूरा मामला?
जी रितु, बताना चाहूंगा ये यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर है जो बरेली से हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उत्तराखंड को जोड़ता है यहाँ पे। और ये मजदूर जब हम खबर बनाने गए तो हमने देखा इन मजदूरों से जाना, इनका हाल कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें कहाँ जाना है। ये जो उत्तराखंड में हल्द्वानी पड़ता है वहाँ पे ये मजदूरी करते थे, रेता बजरी का काम करते थे, वहाँ पे अपना परिवार का पालन पोषण होता था इसी से इनका। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसी को देखते हुए थोड़ा बहुत काम धाम कर रहे थे, जब इनसे हमने और जाना तो अब क्यों वापस आए, तो इन्होंने ये साफ कहा कि वहाँ पे काम बंद हो गया जो लोग कर रहे थे और अब किसी तरीके का वहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन फिर हमने पूछा और भी लोग जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो लोग जो है वो भी उनका काम बंद होने वाला है, वो भी करके जा रहे हैं। तो हमने कहा क्यों बंद किया, तो उन्होंने साफ ये कहा कि किसी तरीके कोई काम नहीं। हमने उनसे भी पूछा कि अब आपको दोबारा वहां जाना है नहीं जाना है जो छोड़ के आप काम आए हैं, तो उन्होंने ये कहा अब वहां हमें नहीं जाना है काम करने, अपने घर पे रहेंगे, खेती करेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, सुखी रहेंगे, यहाँ इतना परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसको एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं ये दावे करती है कि रोड पे मजदूर नहीं है, जो भी है हमने घर पहुंचा दिए या ट्रेन के जरिए, श्रमिक ट्रेन के जरिए पहुंचे, लेकिन अभी इन्हें यहाँ बॉर्डर से 150 किलोमीटर बदायूं जाना है, बदायूं पड़ता है समथिंग 150 किलोमीटर के है, तो ये वहां पैदल जाना, अगर सवारी मिलती है मिलती है, अगर नहीं मिली तो पैदल ही जाना है। उनका साफ कहना था मिलेगी तब जाएंगे, नहीं तो पैदल ही हमें जाना है, भूखे प्यासे। इन्हें एक सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने वहां काम किया तो उसके इन्हें पैसे भी नहीं दिए गए, मालिक ने इनके कहा हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है मजदूरी भी की और इतने दिन काम भी किया और लॉकडाउन भी है, उस बीच पैसा ना मिला काम करने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, परिवार का कैसे पालन करेंगे और दोबारा भी जाने को उन्होंने साफ मना किया है। जी अयाज, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, लगातार बात कही जाती है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं फिर वापस से पलीता लगाती हुई नजर आती है, जो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे जो अधिकारी है, छोटे अधिकारी कर्मचारी, उन्हीं की पलीता लगाती हुई तस्वीर सामने आती है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक यही उठता है कि आखिर कब तक मजदूर मजबूर रहेगा। जी, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, आपने सही कहा कि सिर्फ कागजों तक और प्रशासनिक आदेशों तक, मीटिंगों तक ही ये बातें सारी सीमित रहती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री काफी जोर दे रहे हैं इस चीज पे कि उनके जिले में काम दिया जाए, वहां उनके घर ऐसा काम दिया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस सिचुएशन से इन्हें अभी 150 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। प्रवासी मजदूर हैं, वहां काम करते थे, जब काम वहां खत्म हुआ या छोड़ा इन्होंने, जिस तरीके से वहां से जो बीच में सवारी मिली या नहीं मिली, वहां से बॉर्डर तक आया, बॉर्डर से जान छुपाई किसी तरीके से, तो वहां से वो पुलिस ने इन्हें परेशान किया, तो वहां से हाथ पैर जोड़ के जैसे भी निकले, फिर जब हमने बात की तो इन्होंने साफ बताया कि अभी हमें 150 किलोमीटर और हमें पैदल चलना है और जाना है। तो ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि सिर्फ आदेश जितने भी सरकार के हैं या जो भी हैं, सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, अधिकारी भी बहुत कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे कोई ऐसा काम करते हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, यूपी बॉर्डर पे जब हमने देखा तो यूपी बॉर्डर पे किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्स की जाँच नहीं उत्तराखंड से आने वालों की, ना बाइक की जाँच ना कुछ, और सब और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस की भी कोई सतर्कता ऐसी नहीं दिख रही है से कि कोरोना से लड़ा जाए और कहीं ना कहीं व्यवस्था का सफाई साथ दिया जाए। जी अयाज, अगर ऐसे में बात की जाए तो अब लॉकडाउन को खुले हुए, अब अनलॉक 1.0 का भी आगाज हो चुका है, 1.5 महीना होने वाला है, 3 महीने तक लॉकडाउन था और कोरोना की जब भारत में दस्तक दी थी उस टाइम पर भी लगातार बीच में जब लॉकडाउन था तो प्रयासरत थे सरकार की तरफ, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार ट्रेन सुचारू रूप से चलाई जा रही थी प्रवासी मजदूरों के लिए, उस दौरान इन मजदूरों को क्यों नहीं वापस से भेजा गया, क्योंकि काम तो लॉकडाउन के दौरान से ही बंद है। जी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि किस वजह से ये नहीं आ पाए, वहाँ इतने दिन उन्होंने फिर भी रह के कैसे गुजारा किया, क्या किया, वहां तक गए भी तो या नहीं, इन्हें ट्रेन द्वारा भेजा गया। फिलहाल इसलिए इन्हें परेशान मजबूर होकर वहां काम करते रहे और जब काम इन्होंने सोचा अब हमारे पैसे इस लायक हो जाए जो हम अपने घर पहुंच जाएंगे और अपने घर जाके परिवार में रहेंगे, तो उसके भी पैसे इन्हें मालिक द्वारा नहीं दिए गए और ये कहा गया कि आपको अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा
सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है जिससे कि साफ नजर आता है कि सिस्टम्स केवल कागजों में और जमीन पे कुछ और ही देखने को मिलता है, रोड पे आज भी मजदूर हैं। बिल्कुल आज ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई इस तरह के मामले सामने देखे और एक बार आपने ही इस तरह की रिपोर्ट दिखाई थी कि एक और मजदूर इसी तरह यूपी बॉर्डर पर फंस गया था और उत्तराखंड से ही रवाना हुआ था और एक बार फिर से वही तस्वीर निकलकर सामने आना। अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया या मजदूरों से बातचीत नहीं की, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जो नेता मंत्री सांसद विधायक जो भी जितनी भी जनप्रतिनिधि थे लगातार वो सड़क पर आके इन मजदूरों की मदद कर रहे थे। अब कहां है वो जमीनी हकीकत, कहां है? जी वो केवल जब सामने खबर चलती है या सामने आता है तभी तक देखने को मिलता है कि सतर्कता है या बहुत सी ऐसी मजदूरों के लिए काम कर रहा है स्थानीय प्रशासन या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ खबर चलने के या फिर देखने के उसी दौरान ही सामने आ पाती हैं। उसके बाद जैसा पहले चलता था वैसे रेगुलर चलता रहता है और लगातार जनता को और मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उस टाइम इस टाइम कुछ लगाया जाता कहीं ना कहीं जब खबर चली थी और भी बहुत सी ऐसी खबरें थी जो चली थी, लेकिन अगर तो ये तस्वीर आज फिर देखने को ना मिलती। एक और हमने जब वहां देखा तो ट्रेन की पटरी पे कुछ मजदूर आ रहे थे, हालांकि वो कैमरे में हमारे कैद नहीं हो पाए, लेकिन हमने देखा वहां से जब वो देख के बॉर्डर के ट्रेन द्वारा आ रहे थे, बॉर्डर पे जब सिपाए पुलिस ने नहीं आने दिया तो वो ट्रेन की पटरी पे होके आ रहे थे। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेन की पटरी हो चाहे रोड हो तो कहीं ना कहीं मजदूर आज भी देखने को मिलता है, रोड पे भी दिखता है और वैसे भी बहुत बड़ी परेशानियों को सामना जनता को इस लॉकडाउन के दौरान करना पड़ रहा है जो कि एक बहुत बड़े निंदनीय है सरकार के लिए, बड़ा सवाल है। जी लाजमी है कि सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सिर्फ सरकार नहीं प्रशासन के जो भी अधिकारी और जिम्मेदार है उन पर सवाल या निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिए भेजा जा रहा था घर, तब तो हर कोई आगे आ रहा था और अब जब वाकई में जरूरत है उस दौरान कोई भी अभी जनप्रतिनिधि न जमीनी हकीकत पर कुछ देखा जा रहा है और कागजों में भी देखा जाता है कि सर पलीता ही लगाया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल क्या और भी इस तरह के मजदूर है जो उत्तराखंड से के हल्द्वानी से निकलकर या किसी और राज्यों से यूपी बॉर्डर में फंसे हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रोजाना का है देखने को कि हमारे सामने जब अगर हमारी टीम कभी पहुंचती है तो हमारे सामने कुछ और देखने को मिलता है। जब थोड़ा कहीं हम या छोरी छुपे या किसी तरीके से अपने सूत्र द्वारा वहां पहुंचे तो देखें कुछ तो देखने को कुछ और मिलता है। तो ये सबसे बड़े सवाल है कि सरकार सिस्टम और प्रशासन केवल वहीं पे, हालांकि जिलाधिकारी बरेली का बड़ा इस पे एक्शन भी रहा है, उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन होता है वो केवल उसी टाइम तक देखने को मिलता है सतर्कता बरतते हुए, लेकिन बाद में कुछ नहीं देखने को मिलता, जस के तस वैसा ही चलता रहता है और परेशानियां लगातार सामने आती हैं और कोई ना कोई किसी तरीके का कोई भी सपोर्ट सरकार की या स्थानीय प्रशासन की नहीं, उन तक जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। जी अयाज, अगर आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान जो और भी मजदूर है मजदूरों का क्या कुछ कहना है, किस तरह का रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी से अब वो बदायूं जाएंगे, बदायूं का रास्ता कोई एक दो किलोमीटर का है नहीं, इस दौरान उन्हें बीच में भूख भी लगी होगी प्यास भी लगी होगी, इस दौरान उनके पास बहुत सी सामग्री अभी नहीं होगी अपने खाना पूर्ति के लिए, किस तरह से वो इस वक्त गुजर बसर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब पैदल ही निकल रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से बदायूं जाने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश के बदायूं जो कि दोनों अलग अलग राज्य है, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और पैदल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ कुछ घंटे नहीं बल्कि काफी दिनों से वो चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये इन्हें रेगुलर जाना है, 150 किलोमीटर इधर है और वहां से भी हल्द्वानी 50 से प्लस ज्यादा किलोमीटर पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनको कैसे खाने का प्रबंध हो, कैसे रास्ते में जैसे जिससे मांग के या जैसे सहयोग कर रहे हैं कुछ लोग, संस्थाएं सहयोग कर रही हैं उनके जरिए खा पी के और जो कुछ अपने पास में पैसे हो उसके जरिए वो खर्च हो गए तो पैदल चलने लगे, सवारी मिल गई किसी सवारी के या ट्रक के या किसी के भी हाथ पैर जुड़े या जिस तरीके से भी मदद की तो वो अपने घर तक जाने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं कोई मदद मिले किसी तरीके से पहुंचे, लेकिन कोई ऐसी जमीनी स्तर पर कोई ऐसी मदद नहीं है जो उन तक पहुंचे। हालांकि उन्हें अब उनका कहना यही था कि हमें पैदल ही जाना है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमें पैदल ही घर 150 किलोमीटर और पैदल चल के जाना है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। रास्ते में कोई ऐसा प्रबंध सरकार का या प्रशासन का नहीं है जो प्रवासी मजदूरों को रोक करके खाना खिलाया जाए या पानी पिलाया जाए या उनकी जगह यूपी में उनकी जगह कहीं पहुंचाया जाए,
तो ये भी बड़ा सवाल है। कुछ दिनों तो शुरू में चला था कि घर पहुंचाना, खाना खिलाना, स्थानीय जगह उन्हें रोक के बाकी प्रशासन का था, लेकिन आज की डेट में कहीं प्रशासन का कोई ऐसा रोड पे प्रबंध नहीं है जो स्थानीय मजदूरों की मदद की जाए या उनसे कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए, जो उन्हें लगे कि हमारा कहीं ना कहीं सहयोग हो रहा है, उससे उन्हें घर जाने में सहूलियत मिले या कोई ऐसा प्रबंध हो। वो सिर्फ घर इसलिए जाना चाहते हैं परिवार में रहें अपने और परिवार के साथ जीवन यापन करें, अपनी मजदूरी करके वहीं खाएं या और, लेकिन उन्होंने साफ ये मना किया है अब दोबारा वहां काम करने नहीं जाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। जी अयाज, ऐसे में बात की जाए कि मजदूर जाहिर सी बात है कि काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पुलिस प्रशासन तो होगी, क्या पुलिस प्रशासन ने भी किसी के संज्ञान में ये मामला लेकर नहीं आए? जी, पुलिस प्रशासन जब वो बॉर्डर पे वहां जाते हैं तो पुलिस प्रशासन डंडे से उनको लताड़ती है, डंडे से भागती है, हालांकि उनसे ये पूछना चाहिए आपने खाना खाया या नहीं खाया। यूपी पुलिस का बॉर्डर पे बड़ा अमानवीय चेहरा कई बार देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ये इन तस्वीरों से भी दर्शाता है कि उन्हें कोई स्थान वहां पे नहीं है जो उन्हें आराम किया जाए या खाने का या कोई उन्हें किसी तरीके की जांच हो या कोई हो। यूपी बॉर्डर पे तो कुछ नहीं है, ये साफ देखा जा सकता है और देखने को भी तस्वीरों में मिल रहा है। जी ऋतु अयाज, लगातार हम जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ही हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से भी संपर्क करने की कोशिश की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम बरेली जाकर ही उनसे संपर्क कर पाएंगे, लेकिन जरूरत तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी है ना, जब वो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, बॉर्डर से वो बरेली किस तरह से जाएंगे, इसी का आसरा तो हमें उन लोगों से जवाब में चाहिए। जी जी, सहारा उन्हें आज चाहिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है या प्रशासनीय स्थानीय प्रशासन है या कोई भी है, वो उन्हें टाइम पे जब सहारा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। जब सहारा मांगते हैं तब मिलता नहीं है, स्थानीय प्रशासन और सिस्टम पे बड़ा ये कहीं ना कहीं देखने को देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही है। और जब नेताओं से बात की जाए तो नेता अपने अपने काम में व्यस्त ज्यादा रहते हैं, सिर्फ भाषणबाजी और सिर्फ कागजों में ही प्रशासन के ये चीज देखने को मिलती है। बिल्कुल, आज हमने विधायक छत्रपाल सिंह से भी संपर्क साधने की कोशिश की, उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि जब वो बरेली जाएंगे तो बरेली जाकर ही मजदूरों से संपर्क किया जाएगा, लेकिन सवाल आखिर में यही खड़ा होता है कि मजदूर आखिर कब तक मजबूर रहेगा इस तरह से, कब तक, अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारें हर कोई सिर्फ निंदा करेगा कि इस तरह से हादसा हो गया, इस तरह से कोई बड़ा हादसा हो गया, बस हादसा हो गया, लेकिन अगर वाकई में इस दौरान कोई हादसा हो जाता है बड़ा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि रास्ते में कोई हादसा हो जाए इन मजदूरों के साथ क्या हो, तो बहुत क्या होता है बड़े अधिकारी या प्रशासन या मंत्री या कोई सरकार से रिलेटेड ट्वीट कर देते हैं, संवेदना उनके व्यक्त कर देते हैं और कोई ना कोई सहयोग राशि उन्हें दे दी जाती है, जो उससे उनकी भरपाई कैसे होगी, जो रोड पे है उनकी डेथ हो जाए, वो आदमी नहीं मिलेगा जिसकी डेथ हो चुकी है, इससे भरपाई से कैसे जीवन यापन, अगर बच्चे भी हैं या माँ बाप हैं इन मजदूरों के तो वो कैसे जिंदगी अपनी काटेंगे, कैसे जीना बसर होगा, तो ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कितनी लापरवाही है, बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है, तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं। जी बिल्कुल आयाज, तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं और तस्वीरों में जो अभी प्रवासी मजदूर जिनकी संज्ञा हम अभी जिन लोगों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो ज्यादा बड़े भी नहीं है, ज्यादा छोटे भी नहीं है, बहुत नाबालिग एज के भी लग रहे हैं, छोटी 3 के लग रहे हैं। ऐसे में हमने विधायक राजेश मिश्रा ने भी बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, लगातार जिम्मेदारों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार ना फोन उठा रहे हैं ना ही कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर जिम्मेदारों का कहना है कि अभी बरेली जाएंगे, बरेली जाकर बात की जाएंगे, लेकिन सवाल निशान यही खड़ा होता है कि जब जरूरत अभी है तो ऐसे में अभी मदद करें ना, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अगर ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है तो फिर आत्मनिर्भर भारत किस तरह से आगे कारगर साबित होगा वो इन तस्वीरों को देख के पता लगाया जा सकता है। आयाज जी बिल्कुल, जिम्मेदार जो है वो पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं लगातार, आत्मनिर्भर भारत बने और श्रमिकों को काम मिले अपने ही जिले में, तो ये सबसे बड़ी सवाल बात ये है, जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तब कहीं ना कहीं साफ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, और जब वोट की बात आती है या और कोई ऐसी बात आती है तो सबसे आगे खड़े होते हैं, सिर्फ वो चंद लम्हा होते हैं जो जिम्मेदार उनके साथ खड़े हों, लेकिन जब परेशानी का
और होता है तो कोई भी ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो, अभी तक साफ देखने को मिल रहा है। बहुत सी कुछ जगह है हालांकि देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं है जो उनके साथ खड़े हों। अब इन्हें जरूरत, जितने मजदूर हैं बॉर्डर पे उन्हें जरूरत आज है सहयोग की, सहायता की, खाने की, घर जाने की, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ देख सकती हैं कहीं कोई मदद के लिए किसी तरीके का नहीं है। जब जवाब लेने की कोशिश करो तो वो टाल के साफ नजर आते हैं कि घर पे नहीं है या पहुंचेंगे बात करेंगे। बिल्कुल अयाज, कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है प्रवासी मजदूर, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए चुनाव भी आते हैं तो ऐसे में जो मुद्दे हैं वो फिलहाल जनता के हित में नहीं होंगे। जिनमें काम किया है उनको गिनाया जाएगा, लेकिन जो विफलताओं की तस्वीर है उन तस्वीरों को कोई नहीं गिनाता। फिलहाल अयाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर आपको बरेली की दिखा रहे हैं, जहां एक ओर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मजदूरों की दुर्दशा है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों पर देखने को मिल रही है। बरेली के नैनीताल हाईवे पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चार मजदूर उत्तराखंड के हल्द्वानी में मजदूरी करते थे, काम छोड़कर लॉकडाउन के डर से हल्द्वानी से पैदल ही घर जा रहे थे। जहां मजदूरों की इस तरह की दुर्दशा है, ना उन्हें खाने पीने का कोई, अभी तक उनकी खाना पूर्ति किसी हिसाब से नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन उनका स्वागत डंडे से करती है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो वही अभी आपको बता दें कि जिम्मेदारों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने फोन उठा के ये नहीं कहा कि हम आगे मदद करते हैं। ज्यादातर जिम्मेदारों ने सिर्फ यही कहा कि हम बरेली पहुंचकर उन मजदूरों की संज्ञान लेंगे किस तरह की दुर्दशा थी या किस तरह से वो मजबूर है। लेकिन सवाल निशान अभी भी यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक मजदूर मजबूर रहेगा, क्योंकि जरूरत अभी प्रवासी मजदूरों को फिलहाल इस वक्त है, ना कि बरेली पहुंचकर। फिलहाल एक नजर